इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में कल कोरोना का सबसे बड़ा अटैक हुआ। कोरोना के मरीजों की संख्या अब एक दिन में 1.5 लाख को भी पार कर गई है और ये रफ्तार लगातार आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। इस रफ्तार को बढ़ाने में सबसे अहम रोल महाराष्ट्र का है, जहां जल्द ही कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है। कोरोना के इसी बड़े विस्फोट के बीच आज से देश में महामारी के खिलाफ सबसे बड़ी मुहिम टीका उत्सव शुरू हो रही है। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने के लिए टीका उत्सव की अपील की थी। अगले 4 दिनों तक लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लोग लगवाने के लिए सामने आए। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। देश में जब हर गुजरते दिन के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या रिकॉर्ड बना रही है, तब इस महामारी के खिलाफ जंग जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। इस जंग को जीतने के लिए प्रधानमंत्री ने हथियार बनाया है, इसकी वैक्सीन को। जब कोरोना की वैक्सीन के 2 डोज हर भारतीयों की नसों में पहुंच जाएंगे तो देश कोरोना मुक्त बन जाएगा। वैसे तो देश में पिछले 3 महीने से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, लेकिन आज से प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर नई मुहिम शुरू हो रही है, टीका उत्सव। से 14 अप्रैल तक पूरे देश में टीका उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव होगा कोरोना के खात्मे का और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन की 2 डोज लगवाने का। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं, एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का? एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। मेड इन चाइना वायरस के खिलाफ भारत ने अब तक शानदार जंग लड़ी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी वैक्सीनेशन का काम जारी है। भारत ने 85 दिनों में 10 करोड़ टीके लगाए हैं और इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे तेज टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बन गया है। इस मामले में भारत से पहले वैक्सीनेशन शुरू करने वाले कई उन्नत देश हमसे काफी पीछे हैं। अमेरिका में अब तक 9 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग सकी है, चीन में 6 करोड़ और ब्रिटेन में सिर्फ 2 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लग सकी है। आज से टीका उत्सव शुरू हो रहा है और दूसरी तरफ कोवैक्सीन और कोविशील्ड की कमी की खबरें आ रही हैं। कोरोना विस्फोट के बाद लोग बड़ी तादाद में टीका लगवाने पहुंच रहे हैं, ऐसे में वैक्सीन की एक एक बूंद बचानी जरूरी है। नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि टीका उत्सव का मतलब वैक्सीन की बर्बादी रोकना भी है। जीरो वेस्टेज तय करें हम, इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में जीरो वेस्टेज होगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज ये रोकना भी है। साथियों, वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारों की सलाह, सुझाव और सहमति ने सही देशव्यापी रणनीति बनी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।